नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि तरक्की दिखती है, बताने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ नीतीश कुमार की तरफ से जनसभाओं का आयोजन भी कर दिया जा रहा है, आज से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। आज नीतीश कुमार स्टेज से गरजते भी नजर आएंगे और ये बताएंगे कि आखिर तरक्की दिखती है तो क्यों दिखती है, किस तरीके से उन्होंने एजेंडा बनाया, किस तरीके से बिहार में विकास हुआ है और आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। 5 साल का रोड मैप नीतीश कुमार जनता के समक्ष रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से गाना लॉन्च हो गया है, ये इस बार तेजस्वी तय है। ऐसे में ये जनता पर ही छोड़ दिया जाए कि कौन तय है, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। लेकिन इतना तो बिहार की सियासत में तय है कि अब जनसभाओं की शुरुआत हो गई है और आज से नीतीश कुमार गरजते नजर आएंगे, 15 साल का हिसाब किताब देंगे, लालू राबड़ी राज के बारे में भी बताएंगे। क्योंकि हर मंच से नीतीश कुमार ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको, बच्चों को ये बताना चाहिए, नई पीढ़ियों को बताना चाहिए कि लालू राबड़ी के शासनकाल में क्या कुछ होता था। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं, ऐसे में लगता है कि वो विकास के मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ेंगे और इस बार जनता से अगर वोट की अपील करेंगे तो वो भी इस आधार पर कि 15 साल में मैंने क्या कुछ किया और 15 साल में लालू और राबड़ी के शासनकाल में क्या कुछ हुआ है। तो नीतीश कुमार ने पूरा जो एजेंडा है वो भी क्रिएट कर लिया है, 7 निश्चय भाग 2 को लेकर, उसको लॉन्च करने को लेकर जनता के समक्ष जाने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव में पेच फंसा है, इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव मंगलवार को जनसभा करने वाले थे। उनके भाई तेज प्रताप यादव ने वहां पर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल किया, जहां तेजस्वी यादव खुद गए। हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव उतरते हैं, उसके बाद अपने भाई से मुलाकात करते हैं। तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई का स्वागत गुलदस्ता देकर करते हैं, बड़ा ही रोचक दृश्य नजर आता है। लेकिन उसके बाद खबर क्या आती है कि तेजस्वी यादव वहां से हुंकार नहीं भर सकते, क्योंकि जिला प्रशासन, समस्तीपुर जिला प्रशासन की तरफ से तेजस्वी यादव को अनुमति नहीं मिलती है। नामांकन भरने के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव रोसड़ा की धरती से गरजते नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ उन्हें हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मिली थी, वहां पर जनसभा करने की अनुमति तेजस्वी को नहीं मिली थी, यानी कि तेजस्वी जनसभा नहीं कर पाए। ऐसे में आज नीतीश कुमार गरजने वाले हैं, लेकिन पूरी जो तस्वीर है उससे तेजस्वी यादव आउट नजर आने वाले हैं, इस फ्रेम से तेजस्वी यादव आउट नजर आने वाले हैं। तो क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर आज हमलावर नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और लालू राज के बारे में जिक्र करेंगे, उसका प्रभाव कितना होगा? क्योंकि आज मैदान में तो तेजस्वी नहीं दिखेंगे। हालांकि ये जनता डिसाइड करेगी कि जनता को किस पर भरोसा है, नीतीश कुमार पर या फिर तेजस्वी यादव पर। लेकिन तेजस्वी यादव अब जल्द ही हुंकार भरेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के समक्ष, नीतीश कुमार के आमने सामने जो टक्कर होने वाली थी, अब वो टक्कर नहीं होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार तो गरजेंगे, नीतीश कुमार तो अपने शासनकाल के बारे में जिक्र करेंगे, इसके साथ लालू राबड़ी के शासनकाल का भी जिक्र करेंगे, तो इसका असर तेजस्वी यादव पर कितना पड़ेगा और क्या तेजस्वी यादव का जवाब देने के लिए कुछ नया प्लान बनाते हैं। तो ये आमने सामने की टक्कर देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बहरहाल, आपके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आपको किस पर भरोसा है, नीतीश कुमार पर या फिर तेजस्वी यादव पर? और आपको क्या लगता है, किसकी जनसभाओं में सबसे ज्यादा लोग जुटेंगे और किसमें सबसे ज्यादा दम है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।